नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच के तीसरे दिन आज किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं। अब किसान यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। सुबह किसानों ने 10 बजे बैठक की और फिर यहीं जमे रहने का फैसला किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें, किसानों ने इस बॉर्डर को जाम कर रखा है। करनाल अंबारा रूट पूरी तरह से ट्रैफिक वहां पर बंद है। रोहतक से आए किसान उधर बुराड़ी मैदान में जमे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर के किसान बुराड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का ये कहना है कि यहां से हम हटेंगे तो हम सिर्फ जंतर मंतर या रामलीला मैदान में ही जाएंगे। उधर पंजाब से हरियाणा होते हुए किसानों का दिल्ली कूच अभी भी जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बुराड़ी में भी भारी तादाद में किसान डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर भी उनकी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आप देख रहे हैं। और सड़क पर किस तरह से खाना बनाया जा रहा है उन लोगों को, यानी कि पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान यूनियन के हजारों ट्रैक्टर अभी भी रोहतक होते हुए बहादुरगढ़ की तरफ लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस को खबर मिली है कि पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान से हजारों किसान और आ सकते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस ने सभी जिलों की यूनिट को अलर्ट कर दिया है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के भी अफसर बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली की चौखट पर किस तरह के से किसान डटे हुए हैं, दिल्ली आने को बेताब जत्थों में आ रहे हैं ये किसान, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिमांशु मिश्रा बुराड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सिंधु बॉर्डर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त सुशांत। लेकिन सबसे पहले बुराड़ी का रुख करते हुए आपके साथ कुछ किसान नेता भी हमें दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कीजिए। लगातार ये डटे हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जब तीसरा दिन है, क्या चाहते हैं ये किसान, बातचीत कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नोएडा से आए हैं और हमारा संगठन किसान एकता संघ है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण प्रधान जी के नेतृत्व में हम आए। आप चाहते क्या हैं? आप लोग यहाँ जब पहुंचे हैं, पहले तो पंजाब से आए थे, अब यूपी से भी आने लगे, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं, सरकार इन कानूनों को वापस ले। और अगर मान लीजिए बातचीत भी तो चल रही है, बातचीत का रास्ता जिस तरीके से है, आप लोग की अगली रणनीति क्या है? रणनीति हमारी ये, बातचीत की बात तो मैं आपको बता दूं, पहले भी 3 या 4 बार वार्ता हो चुकी है लेकिन किसान के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं आया है। इससे किसान को पूरी तरह से सरकार पर कोई अभी भरोसा नहीं है। अगर वार्ता ही करनी है तो जब पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश सब जगह किसान आ गया है तो उनके बीच में आके वार्ता करें। देखिए अभी यहाँ पर बुराड़ी में बैठे हुए हैं लोग, बहुत सारे लोग बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं। बॉर्डर पे जो लोग बैठे, क्या उन लोगों से आप लोगों की बातचीत चल रही है? अभी उनसे बातचीत नहीं, धीरे धीरे पूरे देश के किसान जागरूक हो गए, सबको जानकारी हो गई है, धीरे धीरे सब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और जो वार्ता की बात रही है, वार्ता तो कई बार विफल हो गई है, वो सत्र बुलाए और संशोधन करे कानून में, MSP को कानून के दायरे में लाए। देखिए यहाँ पर हमने पहले भी दिखाया था कि जो किसान है वो किस तैयारी के साथ आए, इन्होंने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये लोग यहाँ से जल्दी हटने वाले नहीं है। हम कुछ और, आप कहाँ से आए? पंजाब चो आए, ना कर ला कर लो, पंजाब से आए हैं आप? तो देखिए यहाँ कोई पंजाब से आया है, और ये बताएं जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं क्या वो यहाँ बुराड़ी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, असि भी आए हैं, वो भी आएंगे। बातचीत हो रही है आप लोगों की? बिल्कुल, पूरा स्पार्क का साधन ना। और सरकार से कोई बातचीत, कोई नुमाइंदा, कोई बातचीत हुई हो इस दौरान? नहीं, हजे तक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, नहीं। ना बिल्कुल। आप लोगों ने तो अपनी तैयारी दिखाई दी है। आप कहाँ से? फरीदकोट से। फरीदकोट से रास्ते में जब आप लोग आए, तमाम बैरिकेड्स भी थे, अब यहाँ आप बुराड़ी पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो साड़िया हिंदुस्तान दिया 604 जथेबंदियां, पंजाब दिया 31 जथेबंदियां जो सानू फैसला देनगा, असं वो फैसले से फुल चढ़ावे। जे सानू कहणगे इतों चल के धन जाम करना, असं जाम करा, जो उन्होंने फैसला जथेबंदियां का होगा वह मनिया जाऊगा। आप देखिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, हर यूपी के किसानों से बात की हमने, पंजाब के किसानों से बात की हमने, अब यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि बुराड़ी सभी जो लोग हैं उन लोगों से संपर्क में है। कुछ किसान बुराड़ी पे बैठ गए हैं, कुछ यहाँ आए हैं,
कुछ का ये मानना है यहाँ पर चित्रा कि अगर वो बुराड़ी पहुंचते हैं तो उनकी बात दब जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि जिस मकसद से वो दिल्ली पहुंचे हैं वो मकसद उनका पूरा ना, उनकी आवाज सुनी ना जाए और यहाँ पर वो एक एरिया में बच के रह जाए। इस वजह से कुछ किसान अभी भी बॉर्डरों पे, टीकरी बॉर्डर पे अच्छी खासी संख्या में और सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं। देखिए पहले तो सिर्फ यही कहा जा रहा था कि पंजाब से ही किसान आ रहे हैं, लेकिन अब तो भारी तादाद में यूपी से होते हुए दिल्ली, राजधानी दिल्ली पहुंचना चाहते हैं किसान। और इसी के साथ आप समझिए कि किस तरह से किसानों का ये आंदोलन तेज होता हुआ चला जा रहा है। पंजाब से भले ही चिंगारी भड़की हो लेकिन उसके बाद लगातार देश के दूसरे हिस्सों के किसान भी अब इसमें शामिल होते हुए चले जा रहे हैं। अशोक सिंघल इस वक्त सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं अशोक? देखिए चित्रा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसान यहाँ डटे हुए हैं और इन्होंने फैसला भी किया है कि हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमको बुराड़ी लेके जाएंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। यहाँ बैठेंगे, हमको या तो दिल्ली के अंदर प्रवेश करने दिया जाए या फिर यहाँ पे हम लोग रहेंगे मौजूद। और कई महीनों का राशन इनके पास है, ट्रैली ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियों में ये सामान भर के लाए हैं, यहीं पे ये खाना बनाते खाते हैं और आसपास के लोग भी पानी वगैरह मुहैया इनको करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि कल जो तनाव हुआ था, कल मैं उस वक्त मौजूद था जब पुलिस के साथ इनका टकराव हुआ था, लेकिन आज की स्थिति है कि ये लोग बैठे हुए हैं, नारेबाजी जरूर कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन इनकी जिद यही है कि या तो यहाँ पर हम बैठेंगे। सुबह मीटिंग भी हुई थी किसान यूनियन के जो जो आंदोलन कार्य है उनके नेताओं की मीटिंग हुई थी और उसमें तय किया गया था कि आगे क्या करना है, ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या बुराड़ी कैंप मैदान में जाएंगे या कहाँ पे रहेंगे। तो इन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे हम लोग बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। और कल से यहीं पे डटे हुए हैं, यहाँ पर रात भर यहीं पे रहते हैं और नारेबाजी करते हैं। और उधर सरकार ये कह रही है लगातार कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और 3 दिसंबर को पहले से प्रस्तावित है किसान नेताओं के साथ बातचीत, और पहले भी दो दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये जो पंजाब से आए हुए किसान हैं इनकी यही मांग है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक हम यहीं पे धरने बैठेंगे। और खास बात ये चित्र में आपको बता दूं, हाँ अशोक सिंघल ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए। सुशांत अब सीधे आपका मैं रुक कर लेती हूँ, आप जहां पर खड़े हुए हैं पीछे की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए चित्र, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। पुलिस ने बैरिगेट कर दिया है कि किसान दिल्ली अगर आना चाहते हैं तो उनको बुराड़ी मैदान में ही जाने की इजाजत जो है वो पुलिस की तरफ से दी जाएगी, इसके अलावा कहीं और कूच जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए, लगातार आज सुबह 10 बजे के आसपास इनकी तमाम नेताओं की बैठक थी, उसमें ये फैसला लिया गया कि सिंघू बॉर्डर को जो है वो फिलहाल यहाँ से नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा हाईवे है जो कि चंडीगढ़, अंबाला, पंजाब, जम्मू कश्मीर कई राज्यों को जोड़ता है और यहाँ से तमाम जो चीजें हैं रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वो इनको यहाँ से दिल्ली जो है वो भेजी जाती है और दूसरे राज्यों में दी जाती है। अगर इस हाईवे को यहाँ पर जाम करेंगे तो सरकार के प्रति उन पर दबाव बनाने की जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब रहेगी और ताकि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी दबाव जो है वो बनाया जा सके, इसी को लेकर के किसानों की स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में अगर वो बुराड़ी जाते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो फेल हो सकती है, सरकार उनकी बात जो है वो नहीं सुनेगी। फिलहाल अभी जो फैसला यही है कि अब ये किसान जो है वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है, वो लगातार चाहते हैं कि सरकार के नुमाइंदे खुद कैसे निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो देखिए किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका यह कहना है कि जब तक कृषि बिल को वापस नहीं लेती है सरकार तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा, जबकि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में यहां पर सरकार लगातार बनी हुई है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए आज की अहम एक दूसरी खबर का हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन वैक्सीन पर है, देश के 3 अहम वैक्सीन केंद्रों पर जाकर प्रधानमंत्री वैक्सीन विकसित करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचे, जहां भारत बायोटेक जाकर वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारी और अपडेट वहां पर लेंगे, वहां पर पहुंच चुके हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के जाडस बायोटेक पार्क का दौरा किया था, वहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन के हर पहलुओं को साझा किया, जाना समझा। जाडस की वैक्सीन देसी है और ये ट्रायल के दूसरे चरण में है, यकीनन इसके तीसरे चरण में माना यही जा रहा है कि फिलहाल ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये अहम दौरा, क्योंकि वैक्सीन जो कि मौजूदा दौर की संजीवनी बूटी है और यकीनन उसी का इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी किसको मिलती है, वैक्सीन सबसे पहले कौन लेकर आता है ताकि जो मानवता इस वक्त कोरोना के कारण खतरे में है उसको बचाया जा सके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में
स्थित भारत बायोटेक में कोवैक्सीन की तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। तीसरे फेज में कंपनी 26,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। हैदराबाद की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। भारत बायोटेक दुनिया की जानी मानी बायोटेक कंपनी है। यह कंपनी कोरोना के अलावा चिकनगुनिया, जिका, कोलेरा, मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड समेत कई बीमारियों का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है और हर जगह यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द कामयाबी इसमें मिले। और उसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पहली बार वहां पर चुनाव हुए हैं। शनिवार को डीडीसी चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले गए। इस चुनाव में 1427 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 7 लाख मतदाताओं ने कर दिया है। 12 बजे तक कुल 33% वोट पड़े थे। कुछ जिलों में वोट का जबरदस्त जोश दिखा। आप देख पा रहे हैं लंबी कतारों में लोग लाइनों में किस तरह से लगे हुए हैं। 2 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद अब मतदान का प्रतिशत का आखिरी आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन बढ़ चढ़कर लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया है। पहली बार ये चुनाव हो रहा है आर्टिकल 370 के हटने के बाद और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 लेवल का पंचायत सिस्टम बनेगा ताकि ग्राउंड जीरो पर काम किया जा सके और डेवलपमेंट को और तेजी दी जा सके। पंचायती राज कानून में संशोधन के बाद ये पहला महत्वपूर्ण चुनाव और इन चुनावों से कश्मीर का मूड यकीनन पता चलेगा। कुल 20 जिलों में जिला विकास काउंसिल बनाई जाएंगी। 20 जिलों में कुल 280 ब्लॉक हैं और मतदान के लिए आप देख पा रहे हैं कैसे बड़े बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए इस मतदान के लिए लंबी लाइनों में कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। वैसे कश्मीर में कई पोलिंग बूथ पर लोग सुबह से वोट डालने के लिए लाइन में लगे थे। लोगों में खासा जोश दिखा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुजाउल हक। सुनिए, जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इलेक्शंस और बाकी लोकल बॉडी इलेक्शंस का पहला फेज शुरू हो चुका है और जैसा आप देख रहे हैं कुछ पोलिंग स्टेशंस पे लोग अपना मतदान करने के लिए जमा हो चुके हैं। ये कश्मीर घाटी में इस बार इलेक्शंस जो है विंटर्स में हो रहे हैं। कई जगहों पे जो बर्फबारी है वो भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में यहाँ पे भी कुछ बर्फ जो है वो जमी हुई है। तो ठंड का माहौल है लेकिन लोग फिर भी घरों से निकले हैं अपना जो मतदान है वो करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार जो है जम्मू कश्मीर की के इतिहास में कि डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इलेक्शंस धारा 370 के हटाए जाने के बाद पहली जो है इलेक्टोरल प्रोसेस है। इस बार बीजेपी और अलायंस फॉर पीपल्स डिक्लेरेशन जो है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और ऐसे जो बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं उनका एक अलायंस है, उसके बीच की जंग नज़र आ रही है। खासकर कश्मीर घाटी में जहां पीपल्स अलायंस ने लगातार कैंपेनिंग के दौरान धारा 370 के हटाए जाने को उठाया है, वहीं बीजेपी और बाकी जो पार्टियां हैं, एसोसिएटेड पार्टियां हैं, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है। ज़मीन पर आज काफ़ी सारे लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी कई सारे लोग अपने घरों से आज सुबह से ही निकले हुए और अपना मतदान कर रहे हैं। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। और अब बात हैदराबाद निकाय चुनाव की करेंगे, जहां पर जुबानी जंग तेज हो रही है। AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी ने तीखी जुबान में हमला बोला है तो वहीं बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने उनको जवाब दिया। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है उतना ही इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जाति नहीं है। कि जिस प्रकार से भाग्यनगर का भाग्य मात्र एक परिवार और उस परिवार का दोस्त, यह भाग्य उनके हाथ में छोड़ दिया गया है और डेवलपमेंट और विकास को पिछले दरवाजे से एग्जिट करा दिया गया है, ये भाग्यनगर के लिए दुर्भाग्य का विषय है, यह हैदराबाद के लिए दुर्भाग्य का विषय है। बंधुगण, आज जब मैं आ रहा था तो फ्लाइट में भी एक विषय की चर्चा चल रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड। यहां पर जो फैमिली और फ्रेंड की सरकार चल रही है, एक परिवार और उसके दोस्त की सरकार चल रही है,
इस विषय में हर जगह चर्चा चल रहा है, लोग अब जानते हैं, फैमिली और फ्रेंड बोलने से ही समझ जाते हैं कौन है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।